कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि AGTA 3446 और दूसरी तरफ PET 2023, चर्चा बहुत गर्म है। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर अब जो AGTA वैकेंसी है ये 2023 पेट के अनुसार आएगी, क्योंकि 2023 का पेट आ चुका है। तो आप बच्चों परेशान ना हो, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, जो भी बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों। सबसे पहले सीधी सी बात आप ध्यान कर लो, AGTA 3446 जो है ये 2022 पेट से ही आएगा, इतना आप ध्यान कर लो, ठीक है। AGTA मेरे बच्चों ध्यान करना, AGTA 3446 जो है ये 2022 पेट से ही आएगा, आप निश्चिंत होके, बहुत जल्द आपकी वैकेंसी जो है आने वाली है। 2022 पेट से ही ये 3446 पदों पर जो है भर्ती आएगी। 2023 पेट ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। अब 2023 का ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया तो बहुत सारे लोगों के मन में संशय उठ रहा है कि अब ये भर्ती 2023 से आएगी, बिल्कुल नहीं। 2022 का पेट है उसकी वैलिडिटी मेरे बच्चों जनवरी तक जो है होगी, ठीक है। अब आगे देखिए सिलेबस पे बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। देखिए अभी सिलेबस पर पूरी तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता है मेरे बच्चों कि क्या आएगा, ठीक। लोग जो बता रहे हैं 80% एग्रीकल्चर AG, 10% UP और 10% कंप्यूटर, ठीक। देखो ये सारी बातें कही कहीं हैं, ठीक है। हाँ हो सकता है आ भी जाए, लेकिन अभी हम लोग पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वैकेंसियों में सिलेबस आपका जो है यही रहेगा, ये तो आयोग निर्धारित किया करेगा। और ये सिलेबस है मेरे बच्चों, ये AGTA जो 3446 है इसी के साथ आएगा, इसी के साथ आपका जो है मेरे बच्चों सिलेबस को रिलीज किया जाएगा। 60 से आपको 90 दिन मेरे बच्चों जो है पढ़ने के लिए मिलेंगे जो है अकॉर्डिंग टू आयोग, ठीक है। तो पढ़ने के लिए 60 से 90 दिन बताया गया है, लेकिन इतने दिन मिलेंगे नहीं मेरे बच्चों, इतने दिन कतई नहीं, इससे कम डे मिलेंगे। तो इससे आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई चालू कर दो, कहने और करने में जब नोटिफिकेशन आएगा देख लेना, बहुत सारी इसके विपरीत बातें भी की जाएंगी। आप लोग बताया गया है 60 से 90 दिन कहो, 60 से कम दिन मिल जाए तो पढ़ना आपका काम है। एग्जाम डेट देख लीजिए, एग्जाम डेट मेरे बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। नवंबर माह में जो है एग्जाम इसका होने का पूरी जो है चांस है। 1 नवंबर से मेरे बच्चों 15 नवंबर तक इसका एग्जाम होने के बिल्कुल चांस रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल चांस है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक एग्जाम होने का। 906 लोगों का डाटा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, आयोग भेज दिया गया है, ठीक है। अब NIC इस पे काम करके सारा काम खत्म करेगी 2-4 दिनों में, फिर आयोग आपका जो है नोटिफिकेशन उसको बना रखा है, तुरंत रिलीज करेगा। अब कोई भी भर्ती ये नहीं कह सकता ये भर्ती फंसेगी, बिल्कुल आप तय मान के चलिए ये वैकेंसी बिल्कुल आना तय है। मेहनत से पढ़ो जिससे आपकी जॉब लगे, ठीक है। आगे देखिए मेरे बच्चों, ठीक, आगे क्या है, पेट कट ऑफ के लोग जो है, जब लाइव क्लास मैं लेता हूँ डेली, तो पेट कट ऑफ के विषय में लोग बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं कि पेट की कट ऑफ कितनी जाएगी, 2022 पेट की जो कट ऑफ कितनी जाएगी जो AGTA की 3446 पद आने वाले हैं। मैंने बहुत पहले कहा था SC ST और ऑल फीमेल प्लस वन रहेगा, SC ST ऑल फीमेल प्लस वन रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब इसमें PH का भी जो है प्लस वन रहेगा। इसके बाद जो OBC और जनरल प्लस EWS, इसकी जो है मेरे बच्चों कम से कम 10 से 15 नंबर जो है जा सकती है, ठीक है। 10 से 15 नंबर कट ऑफ जाने की उम्मीद की जा रही है। तो कट ऑफ के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप वहां से जो इसको ले सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, अच्छा ये हो गया। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखना मेरे बच्चों, अभी मैंने जो है स्पेशल एग्रीकल्चर देख लीजिए,
स्पेशल एग्रीकल्चर, ठीक, स्पेशल एग्रीकल्चर देख लीजिए, ये एक सेकेंड, ये देख लीजिए, स्टडी विद नीरज सर की तरफ से जो है मेरे बच्चों, स्टडी विद नीरज सर की तरफ से जीनियस एसडी क्लासेस के द्वारा जो बुक आपको जो है प्रोवाइड की गई है, प्रोवाइड की जाएगी जीएससी 01 न्यू नोट्स स्पेशल एग्रीकल्चर अ पावरफुल नोट्स के नाम से जो है, ठीक, इसमें आपका क्या रहेगा देख लीजिए, एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक स्पेशल एग्रीकल्चर, एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक स्पेशल एग्रीकल्चर है मेरे बच्चों। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कुल 1000 प्रश्न है, 1000 मेरे बच्चों जो है प्रश्नों को जो है रखा गया है, 1000 प्रश्नों को रखा गया है, और वही प्रश्न इसमें है जो अन्य एग्जामों में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पर्पस से। मैं आपको बता दूं, अगर एग्रीकल्चर आपका आता है तो मेरे बच्चों कोई भी बुक पढ़ने से पहले अगर आप ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ लेंगे, 1000 प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि इससे सारी समस्याएं हल होंगी। सबसे पहले ये 1000 प्रश्न आपको जो है करने होंगे, 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है, और एग्रीकल्चर में कोई भी बुक आप कहीं से पढ़िए, अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद आप बुक पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैं आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, एक से लेके भारत की औसत फसल चक्र संघनता, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लस देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है 991 का, ठीक है, 991 मतलब ये 1000 प्रश्नों की बुक है, ठीक है, 1000 आपके लिए पत्थर का मील साबित होगा, ठीक है, पत्थर का मील साबित होगा, आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसलिए आप इसको जो है, अगर इसको आपको परचेस करना है तो 73 नंबर लिख लीजिए, देखिए 7379823368, एक बार फिर से मैं नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, देखिए 1 सेकंड, देखिए नंबर, देखिए 7379823368, ये व्हाट्सएप नंबर है। एक नंबर और लिख लीजिए, 95599 40590, ये जो है एक मेरा नंबर है, 40590 है, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। जिस किसी को 1000 प्रश्नों की सीरीज लेना है वो जो है इन नंबरों पे व्हाट्सएप या कॉल करके इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है, प्राइस आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद एक हमारी बुक लॉन्च हुई है, उसको भी देख लो, ठीक है, ये तो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, इसमें 1000 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर इसके बाद समय बचता है तो आप इस बुक को पढ़ेंगे, देखिए ये बुक हमारी है, ये बुक है एग्रीकल्चर कृषि नोट्स जो है, ठीक, ये बुक जो हमारी है मेरे बच्चों, इसको देख लो, ये एजीटीए कृषि तकनीक सहायता के लिए जो है, देखो एजीटीए कृषि तकनीक सहायक, एओएफओ गन्ना पर्यवेक्षक, टीजीटी कृषि, पीजीटी कृषि अधिकारी, बैंकिंग, यूपीपीएससी सिविल परीक्षाओं के लिए या अन्य कोई जो भी परीक्षाएं होती है उनके लिए, सबके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं फिर भी कहूंगा, आप इसको पढ़ने के पहले 1000 प्रश्नों की सीरीज जरूर आप पढ़िए, क्योंकि वो रामबाण है, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक, सबसे बढ़िया प्रश्न जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों की सीरीज वो है, ठीक है। आपको मैं दिखा भी दूं, देख लीजिए, ये देख लीजिए मेरी, मेरे बच्चों ये देख लीजिए, ठीक, ये देखिए एजीटीए, ये प्रश्नों की सीरीज है, ये बुक है मेरे बच्चों, देख लीजिए, और इसका देख लीजिए, ये जो है आपका जो है, यहां से क्वेश्चन इसके स्टार्ट है, देख लीजिए, ठीक, ये क्वेश्चन स्टार्ट है, ये देख लीजिए, ये सारी सारे पेज है, देख लीजिए ये, ठीक, ये ऑप्शनल है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1000 प्रश्नों की श्रृंखला। और जो जिस बुक की बात मैंने की थी वो ये एग्रीकल्चर की बुक है, ठीक है,
ये 267 प्रश्न है, 267 प्रश्न है, प्रश्न है मेरे बच्चों, ठीक। तो आपको जो बुक चाहिए, अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, सबसे अलग सबसे बेहतर ढंग से, हाँ आपको जॉब लेना ही है, आप ये सोच के चलिए, हम और कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमको जॉब लेना है, दुनिया की ताकत हमें नहीं हरा सकती है, और इस बार तो हम जॉब लेके रहेंगे, कोई भी हमें नहीं हरा सकता, ये सोच लेके चलो तो आपकी जो है जॉब 100% लगेगी, ठीक है, इतना आप मान के चलो। चलिए इसके लिए आगे देखते बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए एक चीज और बता दें, ठीक है, आप ऐप पर डेली आपकी जो है क्लासेस चलती है, स्टडी विद नीरज सर, ये मेरा ऐप है, ऐप पर विजय पथ बैच अभी चल रहा है मेरे बच्चों, विजय पथ बैच 0.1, ठीक है, ठीक, ये विजय पथ बैच चल रहा है, स्पेशल एग्रीकल्चर की क्लासेस बराबर वहां पे दी जा रही हैं अभी, ठीक है। हाँ अभी आपका कल बैच लॉन्च होगा, एक विजय पथ 2.0, ठीक है, ये आपका बैच जो है लॉन्च होने वाला है, ठीक, 2.0, ठीक है, ध्यान रखना, एक सेकंड, ये 2.0 विजय पथ बैच जो है, ये बैच आपका कल लॉन्च होगा, बहुत अच्छी अच्छी इसमें स्कीमें हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है इसमें ऑफर हैं, आप जरूर इसको देखिएगा, और सिलेक्शन होगा मेरे बच्चों, इस बार आपका सिलेक्शन मैं करवा के रहूंगा, सच बता रहा हूं, पिछली बार मैंने 72 लोगों का सिलेक्शन कराया, इस बार 500 लोगों का सिलेक्शन कराने की बिल्कुल गारंटी है मेरे बच्चों, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और बिल्कुल होगा। हाँ वैकेंसी आपकी बहुत जल्द रिलीज होंगी, ठीक है, वैकेंसी आपकी बहुत जल्द रिलीज होंगी, एक बार फिर मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है मेरे बच्चों, अभी तो पूरी किताब बाकी है, इतना समझ लो, इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा, इतना ज्यादा मैं कंटेंट अच्छी मात्रा में आपको प्रोवाइड करूंगा, कहीं भी आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, कहीं भी जाओगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए, स्टडी विद नीरज चैनल सबसे पहले AGTA वैकेंसी के लिए यही चैनल बना था, उसके बाद बहुत सारे चैनल हो गए हैं, आपको विश्वास है तो आपको सिलेक्शन दिलाना हमारा विश्वास है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।